हाँ चलिए देखिए, आज हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कर लेंगे। टाइप फाइव के जो जो क्वेश्चंस बचे वे करते हैं, फिर लास्ट में वो लास्ट वाला टाइप है उसको करते हैं ना। तो टाइप फाइव के क्या क्या क्वेश्चंस बचे हैं? क्वेश्चन नंबर फोर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पर, है ना। ठीक है, टाइप फाइव ध्यान है ना आपको, 15-20 मिनट का टास्क है, देखिए ना। किसी राशि का 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 साल, किसी राशि का 4.5% की दर से 3.5 साल का जो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर वाला सवाल, एक बेसिक सा सवाल है ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ना, PRT/100% हटेगा, तो वो फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना। ठीक है, 630 रुपये पर 3.75% के रेट से 2.5 साल के साधारण ब्याज के बराबर है, 2.5 साल, 2.5। इनको इक्वेट करोगे, पी का वैल्यू निकाल लेना, इजीली सॉल्व हो जाएगा, परसेंट परसेंट कैंसिल, इजीली कैंसलेशन हो जाएगा, कर लेना, आंसर निकाल लेना, आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पर आता हूँ। ठीक है, और कॉन्फिडेंट रहा करो, अपना जो आंसर आए उसके ऊपर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव पर आ जाते। सवाल नंबर पाँच, वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा उसी मूलधन पर। अरे इजी क्वेश्चन है, देखिए है ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SI ऑन ₹1,000 एट 5% पर एनम SI एंड द SI ऑन द सेम सम एट 4% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। इंग्लिश में क्वेश्चन मिसिंग है। ₹1,000 पर 5% पर एनम के लिए 3 साल है और 4% पर एनम के लिए 4 साल है, यह है सवाल की कहानी, है ना। 5% पर एनम के लिए 3 ईयर्स है जो इंग्लिश में मिसिंग है, और 4% के लिए 4 ईयर्स है, क्लियर। तो बताइए, यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट 5-5-5 15% आएगा, यहाँ का सिंपल इंटरेस्ट 4-4-4-4 16% आएगा, दोनों का डिफरेंस बताइए 1% है कि नहीं है, क्लियर है ना। तो 1,000 का 1% है ना, 1,000% से 2 जीरो कैंसिल, ₹10 आएगा डिफरेंस, ईजी है, कुछ नहीं है ना। 6 हमने कर लिया, 7 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में करेंगे, पहले 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, सवाल नंबर 10, ठीक है। सवाल नंबर 10 की हम बात, एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 बराबर राशि उधार दिया जाए। दो इंसान है, एक्स और वाई, दोनों को बराबर प्रिंसिपल, दोनों का प्रिंसिपल बराबर है, सेम राशि दोनों ने उधार ली है ना, ठीक है, 4 साल और 5 साल के लिए 7.5% के रेट पर। ये 7.5 के रेट से 4 साल है, ये 7.5 के रेट से 5 साल है, क्लियर, ठीक है ना। चुकाए गए ब्याज का अंतर ₹150, ठीक है ना। तो एक काम करें, दोनों के प्रिंसिपल को 100-100 अज्यूम कर लें, या 100 यूनिट मान लो, 100% मान लो। अच्छा है, 7.5% 4 साल तक ब्याज लेगा, ये 7.5% 5 साल तक ब्याज लेगा, तो दोनों के ब्याज का डिफरेंस बताइए एक बार 7.5% आएगा कि नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को ओरली कर, दिस इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्यों हो गया? क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, दोनों को बराबर राशि उधार दी ना, 100 यूनिट तो 100 यूनिट, दोनों को इक्वल तब मान सकते, जब इक्वल इक्वल नहीं दिया तो इक्वल मान के इस सवाल को नहीं करेंगे, फिर आई बात समझ में, क्लियर। तो 7.5% 4 बार है, 7.5% 5 बार है, दोनों का डिफरेंस एक बार 7.5% आएगा, और ये दोनों का डिफरेंस 7.5% जो एक बार आएगा, इसको ₹150 के बराबर दिया है। इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, एक सेकंड में हो जाता है सवाल, अलग ही दिख रहा है कि भैया समान राशि उधार दी, एक को 7.5% 4 साल तक, 7.5% 5 साल तक, दोनों का अंतर एक बार 7.5% है, तो 7.5% का वैल्यू सीधे सवाल देखते से ही आप पहली लाइन ये लिख सकते थे, इस स्ट्रक्चर को न बनाते हुए, क्लियर। 7.5% बराबर 150 है, तो क्या निकालना है हमें इसमें, हमें इस पर निकालना है कि हमें इसमें निकालना है कि एक मिनट रुकना है ना, तो प्रत्येक को दी गई राशि क्या है, यानी कि 100% 7.5% 150, तो 100% का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा, 1% बराबर ₹20 आएगा क्या, 1% 20, तो 100% 100 × 20, प्रत्येक को दी गई राशि 2000 है ना, प्रत्येक को, दोनों की 2000 है ना, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 इधर ही साइड में कर लेते हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 की, किसी वार्षिक ब्याज दर पर किसी पूंजी का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज दर पर उसी पूंजी के 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, ठीक है ना। किसी वार्षिक ब्याज दर पर किसी पूंजी का 1 वर्ष का, किसी वार्षिक ब्याज दर पर किसी पूंजी का 1 वर्ष का साधारण ब्याज
है ना, एक वर्ष का साधारण ब्याज 5% ब्याज दर से उसी पूंजी के, उसी पूंजी के 5% ब्याज दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। उसी पूंजी के 5% दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, ये सवाल है। लिखने में गड़बड़ मत करना, पी से पी कैंसिल, परसेंटेज से परसेंट कैंसिल, रेट 10 आएगा है ना, तो जो मिसिंग रेट है उसका वैल्यू कितना आएगा 10%। क्लियर? आप इसमें कई बार 5/2 आंसर निकाल देते जो कि गलत है ना, पढ़ना क्वेश्चन को ठीक से है ना। किसी वार्षिक, किस वार्षिक ब्याज दर से, किसी वार्षिक ब्याज दर पर किसी पूंजी का 1 साल का साधारण ब्याज उसी पूंजी के 5% रेट से उसी पूंजी के 2 साल के बराबर है, तो आर का वैल्यू यहां से 10 आ जाएगा। क्लियर? स्टार्टिंग वाला रेट 10 आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, ठीक है। 12% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12 आप कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स की जगह एक्स परसेंट आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है ना, कर लेना, एक्स की जगह एक्स परसेंट है वो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, ठीक है, इजी है, वैसे नहीं बताना चाहिए बट करवा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 13 नंबर का सवाल। दो बराबर राशि क्रमशः, दो बराबर राशि भी है, दो बराबर प्रिंसिपल उधार दिए है ना, दो बराबर प्रिंसिपल उधार दिए, ठीक है ना। 4 साल में दोनों का ब्याज, ये भी 4 साल, ये भी 4 साल, ये दो बराबर प्रिंसिपल वाला सवाल किया था, 100% मान ले है ना, तो 4 साल किस रेट से, 7%, इधर 7% रेट है और इधर 5% रेट है ना, ठीक है, क्लियर है ना। दोनों के ब्याज का सम दिया है 960 है ना, तो इधर 28% ब्याज है, साथ साथ इधर 20% ब्याज है, दोनों के ब्याज का सम यानी कि 48% आएगा, दोनों के ब्याज का सम 48% 960 के बराबर दिया है, यानी कि इनटू 20 का रिलेशन है, तो 100% बराबर इनटू 20 करेंगे तो प्रत्येक को उधार दी गई राशि 2000 आ जाएगी क्या। टोटल सम लेंट, टोटल सम लेंट, तो टोटल सम लेंट जो है वो 2000 कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, तो टोटल सम लेंट का मतलब क्या आएगा, इसका आंसर 4000 बनेगा, क्योंकि टोटल सम लेंट आउट उधार दी गई कुल राशि बताइए, तो उधार दी गई कुल राशि 2000 टोटल 4000, प्रत्येक का 2000, दोनों का मिला के 4000 ऑप्शन में नहीं, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, आया समझ में। इस प्रकार से अब सवाल उठता है कि सर इसको जोड़ क्यों सकते हैं, अभी तक तो हमने ऐसा कभी नहीं, ऐसा इसलिए किया क्योंकि प्रिंसिपल बराबर है, जब बेस सेम हो तो परसेंटेज आपस में ऑपरेट हो सकते हैं प्लस माइनस, क्लियर, जब बेस क्या हो, सेम हो, उन सवालों में ऐसा मत कर देना। जब दो टुकड़ों में बांटते थे हम, इसका 6% 4% है ना, और बराबर 92 ऐसे करके, फिर 6 को हम लिखते थे 2+4 और ऐसे ऐसे करते थे, तो आपके मन में आता होगा कि सर जब यहाँ आप इन दोनों को जोड़ के कर दे रहे हो तो यहाँ भी तो आपको उन सवालों में भी 6 और 4 को जोड़ देना था, 10% बराबर सीधे 92, क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल थे वो अलग अलग थे, प्रिंसिपल बराबर नहीं बोला था। जब प्रिंसिपल आधार सेम हो, बेस सेम हो, तब परसेंटेज आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। सवाल नंबर 14 पर आ जाते हैं, ठीक है, 14 खुद से करेंगे आप, 15 भी आप खुद से करेंगे, इजी है, 16, 17, 18 करवा दिया मैंने, चलिए 19 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है ना, ये शीट में ना 18, 19, 18, 19 दो दो बार है मेरे सामने, ठीक है, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, आप तो जो सवाल सॉल्व करवाए उस सवाल को देख के आप क्वेश्चन पकड़ पा रहे हो ना शीट में, किस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूँ, थोड़ी सी नंबरिंग मैंने गलत बताई है शायद इसमें, हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, है ना, 19 पर आ जाते हैं, ठीक है, सीधे क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या बोल रहा है 19th क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ठीक है, क्लियर। 19 की हम बात करें, दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4/5 के अनुपात में,
किसी समय अवधि के लिए मूलधन से मिसधन का अनुपात 4/5 है, वो समय अवधि टी मान लेते हैं। टी टाइम में मूलधन से उधार ली गई राशि और ब्याज से चुकाई गई राशि के बीच अनुपात 4:5 है, यानी कि 400 रुपये उधार लेके 500 चुकाए ये भी हो सकता है, 4,000 उधार लेके 5,000 चुकाए ये भी हो सकता है, 4 करोड़ उधार लेके 5 करोड़ चुकाए ये भी हो सकता है। आई बात समझ में? क्लियर है, ठीक है ना? 3 वर्ष के उपरांत, 3 साल बाद है ना, कितने साल बाद? 3 साल बाद, ठीक है, यहाँ से 3 साल बाद, 1, 2, 3 साल बाद, 3 वर्ष के पश्चात मूलधन से मिसधन का अनुपात 5:7 हो जाता है। भैया 3 साल बाद मूलधन से मिसधन का अनुपात क्या हो जाता है? 5:7 है ना। देखो ये कितना टाइम है? टी टाइम है, और यहाँ से 3 साल बाद है ना, 3 वर्ष के उपरांत, ठीक है। मतलब सवाल का कहने का मतलब ये है, एक आदमी ने आज पैसा उधार लिया, ये उधारी एक ही बार लिए, ठीक है, इस उधारी को टी टाइम बाद चुकाता है, तो उधार लेने से चुकाने वाली राशि को काटने के बाद रेशियो 4:5 प्राप्त हुआ, ऐसा बोला उसने। यदि यहां पर न चुकाए 3 साल और ले ले, यहां पर न चुकाए 3 साल और ले ले, तो फिर उधार ली गई राशि से चुकाई गई राशि को काटने पर अनुपात क्या आएगा? 5:7। इस प्रकार का सवाल है, उधारी एक ही है, एक ही उधारी के अंदर से 2 रेशियो बने। टी टाइम बाद चुकाएगा तो मूलधन और मिसधन को काटने पर अनुपात 4:5 निकल के आया, सिंप्लीफाई करने पर, सरल करने पर। यदि 3 साल बाद चुकाता, यहां भी नहीं चुकाता है, सीधे 3 साल बाद चुकाता है, तो फिर उधार ली गई जो भी रुपया है, चुकाया गया जो भी रुपया, उसको काटने पर अनुपात 5:7 आता है। ये कहानी है ना, ठीक है। अब हमें निकालना है, यहां पर क्या निकालना है कि भैया ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। ये सवाल देखो ऐसे बन सकता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपने 1,000 रुपये उधार लिए है, ठीक है, 1,000 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये, और 10% रेट है। कितना रेट है? 10%, ठीक है ना। यदि आप मान लो 2 साल बाद इसको चुकाते हो, तो 2 साल में 1,200 हो जाएगा, 20% ब्याज लग के, है ना। और मान लो 3 साल और ले लिया आपने, यदि आपने यहां पर 3 साल और ले लिए, तो बताइए यही पैसा 1,500 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आप। उधार तो यही लिया है आपने, इस उधारी को यदि 2 साल बाद चुकाते हो तो 1,200, और यदि 5 साल बाद चुकाते हो तो कितना चुकाना पड़ेगा? 15। सवाल कैसे बना वो बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। अब देखो यदि आप यहाँ चुका देते तो मूलधन से मिश्रधन का रेशियो 5:6 होता कि नहीं होता, बताइए। अरे काट के 5:6 होता। और यदि इसी पैसे को आप यहाँ चुकाते हो तो 1,000 और 1,500 को आपस में आप काटोगे तो बताइए 2:3 आएगा कैंसिलेशन करने पर। तो बना सवाल, है ना, इसको टी टाइम बोल दो। किसी निश्चित समय में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 5:6 है, यदि 3 साल बाद चुकाते हो, यहाँ नहीं चुकाते हो, तो फिर उसी प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 2:3 आया कि नहीं आया? उसी को काटने पर, इसके रिस्पेक्ट में काटा तो उसी 1,000 के अंदर से 5 सिंप्लीफाई होके आया, है ना, क्लियर। और उसी के रिस्पेक्ट में, है ना, 1,200 के रिस्पेक्ट में इस 1,000 को काटोगे तो 5 निकल के आया, 1,500 के रिस्पेक्ट में इसी 1,000 को काटोगे तो बताइए इसी के अंदर से कट के 2 आया। 1,000 के अंदर से एक बार 5 आया, 1,000 के अंदर से एक बार 2 आया। आई बात समझ में? समझ में आया सवाल क्या है? क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब आप जानते हो कि ये भी उसी प्रिंसिपल को बता रहा है, ये भी उसी प्रिंसिपल को बता रहा है, तो अब आप बताइए ये दोनों किसी एक ही उधारी को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? तो एक काम करें, रेशियो सेट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। कौन सी मेथड हम यहाँ यूज करेंगे? रेशियो सेट। देखिए जो लोग CI के बाद तुरंत SI पढ़ रहे हैं, जो लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बाद तुरंत साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं ना, उनके साथ थोड़ी सी लिटिल बिट सी प्रॉब्लम्स आ सकती है ये रेशियो सेट वगैरह ये सब समझने में। समझ आ रही है बात? क्लियर है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग CI के बाद सीधे SI पढ़ रहे हैं, वो SI न पढ़कर, SI को छोड़कर आगे के टॉपिक कंटिन्यू करें और SI को लास्ट में पढ़ें, क्योंकि SI में जो बेसिक मेथड्स में यूज कर रहा हूँ, रेशियो सेट, ये सेट, वो सेट, ये सारी चीज़ों मैंने एक्सपर्ट बनाया है आपको आगे के टॉपिक में प्रॉपरली बता बता कर। आई बात समझ में? क्लियर। तो ऐसा आप कर सकते हैं, बाकी आपको समझ में आ रही है एक एक चीज़, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो बार बार मैं रेशियो सेट बोलता हूँ यू मे फील हार्ड। समझ आ रही बात? क्लियर। जो CI के बाद सीधे SI पढ़ रहे हैं, बाकी के टॉपिक जिन्होंने अभी नहीं पढ़े, क्लियर है ना, ठीक है, बाकी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जानते हैं दोनों एक ही प्रिंस, 4 और 5 का LCM क्या होता है? 20। तो दोनों को 20-20 बना लें, तो (5) और (4) (5) यहां करेंगे तो रेशियो में इधर भी होगा, (4) यहां करेंगे तो रेशियो में इधर भी होगा। आई बात समझ? खत्म हो गई बात। तो भैया शुरू में कितना उधार लिया था? 20। टी टाइम बाद वो कितना हो गया? 25। 20 उधार लिया, टी टाइम बाद वो कितना हो गया? अरे उधारी तो एक ही है ना यार, दोनों को मिला के एक ही सीरीज बनानी ना हमें, तो 20 उधार लिया, 20 के बाद टी टाइम बाद कितना हो गया? वो 25 है ना।
और 3 साल और नहीं चुकाते तो 25 के बाद कितना हो जाता है वो 28। आई बात समझ में? अब रेट निकालना है। आप देखो 3 साल का ब्याज 3 रुपये नजर आ रहा है, तो हर साल 1-1 रुपये का ब्याज है, तो यहाँ यदि 5 रुपये का ब्याज है तो आप समझ गए यहाँ 5 साल रहे होंगे 1-1 रुपये के, बताइए रहे होंगे 5 साल। 25 से 28 3 रुपये ब्याज है 3 साल, मैंने कि हर साल का ब्याज 1 रुपये, साधारण ब्याज बराबर होता है, तो यहाँ भी 1-1 रुपये ब्याज में यदि फैलाओगे इसको तो 5 साल के रूप में एक्सपांड हो गई, यानी कि 5 साल है 3 साल है। ब्याज दर निकालना है, तो ब्याज दर कैसे निकालोगे भैया? आपने 20 उधारी ली थी, 20 उधारी पर हर साल 1-1 रुपया ब्याज दे रहे हो, है ना, 1 साल का SI इंटू 100, तो बताइए 5% रेट आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? बोलो समझ गए, क्लियर है? तो रेट कितना आएगा आपका, ये 5% है ना, ठीक है, हर साल के भेजे 1-1 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 था आपका, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा रेयर है, अच्छा क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा नंबरिंग यदि मैं ऊपर नीचे बता रहा हूँ तो आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख के थोड़ा सा मैच कर लेना यार इसमें ना, टाइप 5 में, है ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन आपका बच रहा है क्वेश्चन नंबर 8, है ना, सवाल नंबर 8। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है ना। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे लेकिन नहीं, फॉर्मूले वाले रास्ते नहीं जाएंगे, है ना। चलिए देखिए अभी यहाँ पर, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि हम बात करें, 800 रुपये 12% की दर से उधार लिए भैया, 800 रुपये किस रेट से उधार लिए, 12%, है ना, ठीक है। और 910 रुपये 10% की दर से, है ना, एक मिनट रुकना, सॉरी, है ना, 800 रुपये 12% की दर से, 900 रुपये 10% की दर से, ठीक है, उधार देता है, कितने वर्ष बाद उनके कर्ज बराबर हो जाएंगे? कर्ज बराबर यानी कि अमाउंट, ये प्रिंसिपल है दोनों, दीज आर प्रिंसिपल्स, क्लियर, ये दोनों प्रिंसिपल है। थोड़े टाइम बाद जो अमाउंट बनेगा ना, वो अमाउंट इन दोनों का क्या हो जाना चाहिए, इक्वल, ये हमसे बोला है, आती बात समझ में, क्लियर। तो कितने टाइम बाद इनका अमाउंट बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझना, इसको करने के दो तरीके, एक तो बेसिक फॉर्मूला मेथड और एक डायरेक्ट अप्रोच, हमें डायरेक्ट अप्रोच सीखना है ओरली, नो यूज ऑफ पेन, क्लियर। अच्छा, 800 का 12% कितना, 96, हर साल 96 ब्याज जुड़ेगा क्या इसमें, इसका 10 इधर, हर साल 91 ब्याज जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अब आप देखिए, ये दोनों बराबर होना चाह रहे हैं, इन दोनों को यदि बराबर होना है तो इसके लिए चाहिए कि जो कम है वो ज़्यादा चले और जो ज़्यादा है वो कम चले, बताओ 96 91 से ज़्यादा है कि नहीं है? अब आप देखो, 910 ज़्यादा है, 800 कम है, जो कम है उसको हर साल ज़्यादा दो, जो ज़्यादा है उसको हर साल कम दो, देखिए इसकी तुलना में कम मिल रहा है इसको हर साल, ये कम स्पीड से चलेगा, हर साल 91 किलोमीटर जाएगा ये हर साल 96 जाएगा, आई बात समझ में? अच्छा, ये ज़रूरत है कि नहीं, दोनों इक्वेट तभी हो पाएंगे। यदि आप सोचिए, यदि मान लो ये 91 होता है 96 होता है, ये कभी बराबर हो पाते? कभी नहीं हो पाते। जो ज़्यादा है, जो आगे है, दो बंदे रेस लगा रहे हैं, जो आगे भाग रहा है यदि वो ऑलरेडी पीछे वाले से उसकी स्पीड ज़्यादा है तो कभी दोनों मिल पाएंगे? नहीं। रेस से समझो, इस सवाल को रेस की दुनिया में ले आओ, है ना, किस दुनिया में ले आओ इसको, रेस की दुनिया में, ओरली करेंगे हम, रेस लगाएंगे, ठीक है। अब आप देखो, कौन बेचारा गरीब है, कौन बेचारा पीछे, ये पीछे, ये तो 910 पर है, 800 पर है, कितना पीछे है बेचारा गरीब आदमी, 110 किलोमीटर पीछे है कि नहीं है? मतलब मैं 800 पर हूँ और सामने वाला 910 पर है, मेरे को तेज भागना पड़ेगा उससे तभी मैं उसकी बराबरी कर पाऊँगा, उसकी बराबरी, मैं गरीब आदमी उसकी बराबरी तभी कर पाऊंगा, आई बात समझ में? तो मेरे को हर साल तेज भागना पड़ेगा, आई बात समझ में, क्लियर। अब तेज कैसे भागना पड़ेगा, सुनिए, वो 910 पे, मतलब मुझसे 110 आगे है, मेरे को ये 110 का गैप कवर करना है, अरे मेरी नजर कहाँ होगी? आप रेस में दौड़ रहे हो, सोचो सामने वाला 910 पे, आप 800 पे हो, आप 110 किलोमीटर पीछे हो, आपका क्या उद्देश्य होगा उसकी बराबरी करने के लिए? ये 110 का मार्जिन कवर करोगे कि नहीं करोगे, कवर करोगे कि नहीं करोगे 110 का मार्जिन? जैसे बस 110 पे नजर रखो, 110 पे नजरें गढ़ा लो, रेस लगा रहे हो आप, है ना, 110 पे नजर आप गढ़ा लीजिए, ठीक है ना, 110 कवर करना है हमें बस। अब आप ये देखो, हर साल आप 5 कवर कर रहे हो क्या उससे? वो 91 जा रहा है बट आप 96 जा रहे हो, 5 कवर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताइए? हर साल उस 110 में से 5 को आप कट कर रहे हो,
हर साल 110 में से वो फासला 5-5 कम होता चलेगा, वो 91 जाएगा, आप 96 जाओगे, 5 ज्यादा जा रहे हो, आ रही बात समझ में? तो ये जो 110 का फासला है, इस 110 में से हर साल आप 5-5 कट करते जाओगे। बताइए, हर साल यदि आप 5-5 रुपया कट करोगे तो 110 रुपया कट होने में 22 साल लगेंगे, आंसर आ जाएगा। अरे 110 का फासला खत्म करना है, वो 91 जा रहा है बट आप कितना जा रहे हो, 96। अब समझना, एक साल में वो 91 जा रहा, आप 96 जा रहे हो, आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो आपके 96 में से 91 तो उसने कट कर ही दिया, फिर भी आप +5 गेन कर रहे हो उसकी ओर। समझ पा रहे हो क्या? रिलेटिव स्पीड, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। फिजिक्स पढ़ी? चलो फिजिक्स नहीं पढ़ी, छोड़ो। रिलेटिव स्पीड, एवरी मोशन इज अ रिलेटिव मोशन इन दिस यूनिवर्स। फिजिक्स पढ़ी होगी आपने, चलो छोड़ो, है ना? मैं 96 जा रहा हूँ, हर साल वो 91 जा रहा है, तो मैं उसी दिशा में 96 जा रहा हूँ, वो 91 जा रहा है, तो 96 में से 91 तो उसने कंज्यूम कर दिया उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ के, फिर भी मैं 5 से गेन कर रहा हूँ उसकी ओर। तो मैं ये 110 का फासला किस चाल से काट रहा हूँ, 5 की चाल से। 110 का फासला हर साल 5-5-5-5 काटूंगा तो 110 काटने में 22 साल लगेंगे। अरे 5 साल, 5-5 हर साल काटूंगा तो 2 बार में 10 काटूंगा, 3 बार में, 3 साल में 15 काटूंगा, तो मान लेता हूं टी साल में 110 काट दूंगा, तो टी का वैल्यू 110/5। बताइए 22 वर्ष आएगा कि नहीं आएगा? आप समझो ना यार, 110 पीछे हो, 110 गेन करना है, तो हर साल में 5 गेन करूंगा उससे, आई बात समझ में? क्लियर? तो हर साल यदि मैं उससे 5 गेन करूंगा तो मतलब सीधी सी बात है, इस ये 110 के गड्ढे को मैं हर साल 5-5 भरता जाऊंगा तो 22 साल में पूरा भर जाएगा। भर जाएगा मतलब मैं उसके लेवल में आके खड़ा हो जाऊंगा। क्लियर? 22 साल लगेंगे। अब आपको इफ यू वॉन्ट टू गो थ्रू बाई बेसिक अप्रोच, सो लेट्स सॉल्व इट, है ना? बेसिक अप्रोच की बात करें तो मान लेते हैं आफ्टर टाइम टी दे विल बी इक्वल। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी 1+RT/100, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, बताया मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में किसी में, है ना? अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+RT/100। क्लियर है ना? तो इधर का अमाउंट क्या बनेगा, इधर का प्रिंसिपल क्या है, 800, 1+ रेट क्या है, 12T/100 बनेगा इधर का अमाउंट, और इधर का अमाउंट क्या बनेगा, पी 1+, इधर का पी क्या है, 910, 1+ रेट कितना है, 10T/100। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये दोनों ही अमाउंट आपस में इक्वल रख दोगे, टी का वैल्यू आ जाएगा 22। नाउ यू कैन सॉल्व इट, इनफ स्मार्ट है आप, है ना? कर लेंगे इसको सॉल्व, ठीक है? कैंसिलेशन करेंगे, 0 0 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, काटापिटी करेंगे, टी का वैल्यू निकल आएगा 22। क्लियर? ये दो तरीके है ना, ठीक है? चलिए, अब तो ये टाइप तो हो गया आपका कंप्लीट। सॉरी, एक मिनट, एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट वाला, शिवम लिखा है जिसमें, है ना? ठीक है, नहीं नहीं बता रहा मैं आपको, सेल्फ करना है क्वेश्चन नंबर, लास्ट वाला क्वेश्चन जो भी है ना, टाइप 5 शिवम, 20,000 रुपये, लास्ट वाला क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। यदि कोई दिक्कत आती है तो चैट वाले ऑप्शन में आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके डाल दें, सीधे क्वेश्चन का फोटो लेके डाल दें, आई बात समझ में? किसी भी प्रकार से, ठीक है ना? तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? यदि शीट आपकी डाउनलोड नहीं हो रही है ना, डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको शीट, सारी शीट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना? तो वहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट भी निकलवा सकते हैं ना, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं लास्ट वाला टाइप हमारा, है ना? लास्ट वाले टाइप पर आ जाते हैं ना, ठीक है? हाँ, चलिए देखिए, लास्ट वाले टाइप की बात करते हैं। मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से बात करेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ऐसी कहानी है, क्या लैंग्वेज है? एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपये सावधि खाता। सावधि खाते को आप बोल सकते हो फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी करवाते ना, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट है ना, यानी कि एफडी।
क्लियर, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, ठीक है। अब देखिए 12,000 की एफडी करवाई, एक आदमी ने 12,000 की एफडी करवाई, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, है ना, ये उसने बाद में बताया। देखिए हुआ क्या, एक आदमी ने एक बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज के 12,000 की एफडी करवाई, शांति रखना, 12,000 की एफडी करवाई 10% रेट से, कितने साल की एफडी करवाई ये भी बताया नहीं उसने, ठीक है। एफडी कब करवाता है इंसान, कि चलिए यार जब भी एफडी 5 साल की, मतलब 5 साल तक, 3 साल तक इस पैसे को नहीं निकालेंगे ऐसे करके, है ना, ठीक है, 10% के रेट से, बट ड्यू टू सम प्रेसिंग नीड्स, लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी ज़रूरत के लिए, मान लो बेटा बेटी की शादी करनी, बच्चों की शादी करनी, 3 साल बाद बच्चों की शादी आ गई, तो उसको 12,000 रुपये को कितने साल बाद निकालना पड़ा, 3 साल बाद उसको निकालना पड़ा, ऐसा दिखाया जा रहा है, 3 साल बाद उसको पैसा निकालना पड़ा ज़रूरत आने पर, ठीक है ना, जिसकी वजह से बैंक ने उसको कम रेट दिया, सॉरी 10 नहीं दिया, कम रेट दिया। देखो एफडी करवाते हो, जैसे रूल होते हैं ना एफडी के, फिक्स डिपॉजिट के, कि भैया 5 साल तक यदि रखोगे लगातार पैसा नहीं निकालोगे 10% ब्याज दर देंगे आपको, लेकिन बीच में यदि एफडी तोड़ी तो फिर ब्याज दर कम मिलेगा आपको, हर साल का ब्याज दर कम जुड़ के आपको पैसा रिटर्न करेंगे, यही बात समझ में, ऐसी कुछ कंडीशन है। इसने 5 साल की एफडी करवाई, बाद में पता चला 3 साल बाद एफडी तोड़वा ली, इसलिए इसका ब्याज दर कम हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी ज़रूरत के लिए पूरी धनराशि बैंक से निकाल लेता है, बेचारे को निकालना पड़ा, बेटा बेटी की शादी करनी पड़ी, है कि नहीं, ठीक है, बाप का सपना टूट गया, उसने एफडी करवाई 5 साल की, लेकिन बेटा बेटी की अपने बच्चों की शादी के लिए 3 साल बाद बाप का सपना, पिताजी का सपना टूट गया, उन्होंने एफडी तोड़वा लिया, ये बात समझ में, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, इसकी वजह से बैंक ने उसको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हमें नहीं पता, निकालेंगे अभी हम, है ना, ठीक। इफ ही गेट्स ₹3,320 लेस देन व्हाट ही वुड हैव गॉट एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, यदि वह 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से ₹3,320 कम प्राप्त करता है ना, 5 साल बाद जो भी पैसा उसको मिलना था, यानी कि पूरी कहानी पढ़ के समझ में आया कि 5 साल की एफडी थी, 5 साल बाद जो भी पैसा उसको मिलना था उसकी तुलना में उसको ₹3,320 कम मिले, ठीक है, तो 12,000 का 50%, 6,000 ब्याज का सपना था उसका, 6,000 ब्याज मिलना था, तो 5 साल में जो भी पैसा उसको मिलना था उसकी तुलना में कितना कम मिला उसको, 3,320 इसमें से माइनस करो, 3 साल का ब्याज उसको केवल कितना मिला, 2,680, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है, उसको 5 साल का ब्याज 6,000 मिलना था, लेकिन 3,320 कम होने की वजह से उसको केवल 3 साल का ब्याज 2,680 मिला। अब हमें निकालना है यहाँ का रेट, तो बताइए हर साल का ब्याज 2,680 × 3 आएगा, 2,680 × 3 आएगा, 2,680 × 3 आएगा, तो ब्याज दर निकालना है, तो ब्याज दर कैसे निकालोगे, 12,000 रुपये के डिपॉजिट राशि पर हर साल उसको 2,680 × 3 ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बताइए, ₹2,680 × 3 आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना, तो यूँ 6,000 मिलना था, 3,320 2,680 मिला हर साल, है ना, सॉरी 2,680 मिला, 3,320 कम मिला, आप जानते हैं 50% यानी कि 5 साल में 6,000 ब्याज बनना था उसका, लेकिन 3,320 कम मिला, 3 साल का केवल 2,680 मिला, तो 2,680 × 3 ब्याज है 12,000 पर, तो यहां से रेट आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 268 × 12 × 3, है ना, तो 3 से काटेंगे इसको, ठीक है, तो 3 से तो कट नहीं रहा है ये, 4 से कैंसिल होगा, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 67/9, इसको और सॉल्व करेंगे तो 7.4/9% आएगा, तो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4/9%, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, आया ना समझ में क्वेश्चन, एफडी के ऊपर था, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3, तीन राशियां एक्स वाई जेड इस प्रकार है कि वाई एक्स का साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज बराबर PRT/100 होता है, वाई किसका साधारण ब्याज है, एक्स का, समझ में आ रही बात, वाई किसका साधारण ब्याज है, एक्स का,
मतलब एक्स प्रिंसिपल है और वाई उसका साधारण ब्याज है, ठीक है, ऐसे करके, है ना, वाई एक्स का साधारण ब्याज है, ठीक है, वाई जेड वाई का साधारण ब्याज है, जेड वाई का, एक और बार ये फॉर्मूला लगा लेंगे, वाई इंटू आर टी बाई हंड्रेड, क्लियर, जेड वाई का साधारण ब्याज है ना, ठीक है, y x का साधारण ब्याज है और z y का साधारण ब्याज है, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है, z y का साधारण ब्याज है ना, ठीक है, बस कुछ नहीं है, ये दो इक्वेशन बनेंगे, x y z के बीच में संबंध निकालना है, इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से आप डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे ना इन दोनों को आपस में, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, अंश और हर, आर टी बाय हंड्रेड, आर टी बाय हंड्रेड कट जाएगा डिवाइड करने पर, y अपॉन z बराबर x अपॉन y आएगा, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड, ये रिलेशन बनेगा, है ना, ठीक है, सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है ना, सही कर लेना, ये ऑप्शन आएगा इसके आंसर, ठीक है, शेष का 50%, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, इधर ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, है ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% रेट पर, मान लो टोटल धनराशि उसकी 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का 40% कितना हो, 40 यूनिट, ये प्रिंसिपल है, 40 यूनिट किस रेट से उधार दिया उसने, 40 यूनिट उधार दिया उसने 15% रेट से, क्लियर, ठीक है, फिर उसके बाद शेष का 50%, तो शेष बचा कितना, 60, शेष बचा कितना, 60, 100 में से 40 गया 60, है ना, इसका 50%, शेष जो बचा 40 गया 60 का 50%, यानी कि 30 यूनिट अगला प्रिंसिपल, ध्यान देना, ये किस रेट से उधार दिया उसने, कहाँ है भैया, जल्दी आ जाए यार सामने, 10% के रेट से, क्लियर, ठीक है, तथा शेष भाग 18%, शेष भाग जो भी बचा, अब 100 में से 70 गया तो 30 ही बचा, शेष भाग 18% की दर से, ठीक है, क्लियर है ना, कुल राशि पर ब्याज की गणना करें तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, चलो 40 का 15% 6 ब्याज आएगा, 30 का 10% 3 ब्याज आएगा, इसका 18% 5.4 ब्याज आएगा, टोटल ब्याज बताइए 14.4 आ रहा है क्या, आ रहा है 14.4, तो 100 पे 14.4, 14.4% ही हुआ कुल ब्याज का दर, 100 पर 14.4 बताइए 14.4% ही हुआ कि नहीं हुआ कुल ब्याज का दर, तो ओवरऑल इंटरेस्ट का रेट जो है वो 14.4% ही बनेगा, और भी तरीके से इसको ले सकते हैं, 40% यानी कि 2/5 × 15 प्लस, फिर उसके बाद 3/10 × 10 प्लस, फिर उसके बाद फिर 3/10 × 18, ये भी एक तरीका बताया था मैंने आपको, टाइप टू रेट निकालने वाले क्वेश्चंस में, 2/5 15% के रेट से 3/10 है ना, 5 3 15 10 से 10 कैंसिल, 54 5.4, 6 + 3 + 5.4 14.4 इज द आंसर, दिस इज द स्मार्ट अप्रोच, मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है इससे कर लो, ये भी कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है, 14.4% है ना, इसके बाद हम आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 6-12% वार्षिक दर से निवेशित की जाती है तथा अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, ठीक है, इजी है यार फिफ्थ, तो आप खुद ही कर ले, चलिए मैं बता देता हूं, है ना, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, 600 रुपए की एक धनराशि 12% साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है, ठीक है ना, एक अन्य धनराशि एक्स मान ले, ये किस रेट से निवेशित की जाती है, 10% है ना, और दोनों का 4 साल का साधारण ब्याज मिलाकर किसके बराबर है, 488, क्लियर, इज इक्वल टू 488, ठीक है, दोनों का मिलाकर किसके बराबर है, 488, क्लियर, ठीक है, चलिए एक्स का वैल्यू निकाल लेना अभी यहाँ से, क्या प्रॉब्लम है, परसेंटेज से 20 कैंसिल, 72 288 आएगा ही, 288 में से माइनस करोगे तो 200 आएगा, तो x इंटू 10% इंटू 4 बराबर 10 से 0 कैंसिल,
चार से बीस पांच बार कैंसिल, एक्स बराबर 500 आ जाएगा। तो दूसरी निवेशित राशि कितनी है 500, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बाद में करेंगे, 7 पे आइए पहले। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं ना, 7th क्वेश्चन करते हैं, सुनो ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं ना। पी क्यू आर एस चार राशि, पी क्यू का साधारण ब्याज है, क्यू आर का और आर एस का, ठीक है। आप जानते फॉर्मूला एस आई बराबर पी आर टी बाय 100, आई बात समझ में, ठीक है। पी क्यू का साधारण ब्याज है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम पी यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकते हैं क्या? तो भैया पी क्यू का इसी फॉर्मूले को मैं लगाऊंगा अब, है ना। पी क्यू का साधारण ब्याज है, तो पी किसका साधारण ब्याज है, क्यू का, बराबर आर टी बाय 100, है ना। अरे क्यू प्रिंसिपल है और पी ब्याज है ना, ऐसा ही बोला है। पी क्यू का साधारण ब्याज यानी कि क्यू प्रिंसिपल है और क्यू प्रिंसिपल का ब्याज क्या है, पी, क्लियर, ठीक है ना। क्यू आर का ब्याज है, क्यू किसका ब्याज है, आर का, क्यू किसका ब्याज है, आर का, है ना। तो सेम फॉर्मूला, आर का ब्याज कौन है, क्यू, आर प्रिंसिपल तो ब्याज क्यू, क्लियर, है ना। वैसे ही आर एस का ब्याज है, आर किसका ब्याज है, एस का, बराबर आर टी बाय 100, है ना। अच्छा, इन तीनों केस के दर और समय समान दिए, बोला है रेट और टाइम आर इक्वल, रेट और टाइम आर इक्वल यानी कि इन तीनों का आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस आपस में इक्वेट हो जाएंगे। तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब फाइंड द रेशियो ऑफ पी एंड एस, पी एंड एस का रेशियो निकालना है, तो यहां से देखो आप, पी की वैल्यू क्या आएगी, क्यू स्क्वायर बाई आर आएगी क्या, इससे पी से एस का रेशियो निकालना, तो पी और एस का वैल्यू निकाल लेते हैं ना। अच्छा, एस का वैल्यू यहां से निकालिए, यहां से एस का वैल्यू आर स्क्वायर बाई क्यू आएगा, एस यहां ले जाओ, आर यहां, क्यू यहां, तो एस का वैल्यू बताइए आर स्क्वायर बाय क्यू आएगा कि नहीं आएगा। अब पी बाई एस निकालना है, तो डिवाइड कर दो दोनों को, तो पी बाई एस का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो क्यू ऊपर जाएगा, तो क्यू का क्यूब आर स्क्वायर इंटू आर, आर का क्यूब, ये आएगा आंसर, क्यू का क्यूब अपॉन आर का क्यूब, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति ने दो बराबर राशियां, दो बराबर राशियां, सेम प्रिंसिपल है दो, है ना, दो बराबर राशियां 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी, 8% और 7%, इधर की राशि 8% का रेट है ना, इधर की राशि पर रेट कितना है 8%, है ना, और इधर की राशि पर रेट कितना है 7%, क्लियर, ठीक है। इसकी तुलना में 6 माह कम है ये, तो ऐसा मान ले यदि ये टाइम टी ईयर से, टी वर्ष, तो ये टी माइनस हाफ वर्ष है, इधर वाली राशि, इधर वाली राशि इधर की तुलना में 6 माह पहले चुका दी गई, ये टी है तो ये टी माइनस हाफ है ना, आधा साल कम, 6 माह कम। प्रत्येक से 2560 रुपए का बराबर मिश्र धन प्राप्त हुआ, भैया मिश्र धन बराबर दिया है, और वो बराबर मिश्र धन प्रत्येक का कितना है 2560, क्या निकालना हमें यहाँ पर, प्रत्येक मूलधन ज्ञात करें, प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लिया ना दोनों का बराबर, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके, एक स्मार्ट अप्रोच, एक बेसिक, बेसिक अप्रोच के दर्शन पहले करवा देता हूँ। अच्छा, दोनों का अमाउंट इक्वल है क्या, तो चलिए अमाउंट इक्वल कर लेते दोनों का, ठीक है ना। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी वन प्लस आर टी बाय 100, क्लियर, ये अमाउंट होता है पी वन प्लस आर टी बाय 100। तो इधर का पी पता नहीं है, वन प्लस आर कितना है 8, और टी कितना है टी माइनस हाफ अपॉन 100, ये वन प्लस आर टी बाय 100 इधर का अमाउंट बन गया, ये ब्रैकेट बड़ा कर देता हूँ ताकि बैलेंस हो जाए, है ना। आर टी, टी क्या है यहाँ का, टाइम टी माइनस हाफ, अब इधर का अमाउंट, सेम फार्मूला, पी प्रिंसिपल यहाँ का सेम है, वन प्लस रेट कितना है 7, और टाइम कितना है टी, टी टाइम है ना, इधर टी माइनस हाफ, इधर टी, क्लियर। इनको जब हम इक्वेट करेंगे तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये अंदर का फिर जो बचेगा ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद जो बचेगा ये नीचे 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा, 80 माइनस हाफ, तो ये 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी, इसमें भी, तो 80 माइनस 4 बराबर 70, तो टी बराबर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा, टी बराबर 4, यानी कि टी का वैल्यू आ जाएगा 4 साल, जैसे ही टी का वैल्यू 4 साल आया, ठीक है, बस सॉल्व हो गया।
4 साल हो गया ना, टी बराबर कितना हो गया 4 साल, ठीक है। तो 4 साल 7%, तो बताइए यदि हम यहाँ से बात करें, अब ये टी बराबर 4 साल निकालने का एक और तरीका है। देखो मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका क्या है। अच्छा रेट क्या है 8% और 7%, तो रेट का रेशियो क्या है 8 से 7 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 7 से 8। रेट और टाइम आपस में इन्वर्स होंगे, क्यों होंगे इन्वर्स बता देता हूँ मैं आपको, है ना, ठीक है। यदि रेट का रेशियो 8 से 7 है, तो मैं आपको बता रहा हूँ यदि रेट का रेशियो 8 से 7 है, तो इसी को इन्वर्स करके 7 से 8 किसका रेशियो हो जाएगा, टाइम का रेशियो। कैसे हो जाएगा बताता हूँ, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 साल आपका यहाँ भी आ जाएगा सेकेंड्स में, है ना। रेट यदि इधर का रेट का रेशियो 8 से 7 है, तो टाइम का रेशियो इन्वर्स करके इधर का टाइम यदि 7 यूनिट है, इधर का टाइम, तो इधर का टाइम इंटरवल 8 यूनिट है, तो टाइम इंटरवल का डिफरेंस बताइए 1 यूनिट है कि नहीं है, और ये 1 यूनिट आधा साल के बराबर है, टाइमिंग में डिफरेंस आधा साल है कि नहीं इधर और उधर, तो रेशियो की भाषा में ये अंतर 1 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर कितना है आधा साल 6 माह, 1 यूनिट बराबर आधा साल, तो 8 यूनिट बराबर 1 बराबर 1/2, तो 8 × 1/2 बताइए 8 यूनिट बराबर 4 साल आएगा कि नहीं आएगा। तो टी का वैल्यू इधर का टाइम आ गया ना, 8 यूनिट टाइम था इधर का, 4 साल आ गया, ये 4 साल हम ऐसे लाइए 4 साल ऐसे भी आ जाएगा इजी वे में, क्लियर। तो ये इन्वर्स क्यों हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एस आई बराबर PRT/100। अच्छा दो केस है, एक केस सेकंड केस, इसको फर्स्ट केस मान लो, इसको सेकंड केस, दोनों केस का प्रिंसिपल सेम है, तो प्रिंसिपल पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, प्रिंसिपल सेम है। अच्छा अमाउंट भी सेम है, सॉरी प्रिंसिपल सेम है अमाउंट सेम है, तो साधारण ब्याज भी सेम है, तो साधारण ब्याज पे भी डिपेंडेंसी नहीं है। देखो एक तो प्रिंसिपल सेम है, तो प्रिंसिपल पर डिपेंड नहीं है सवाल, क्लियर। अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, उधार लिया चुकाया सेम है, उधार लिया चुकाया सेम है, तो रास्ते का साधारण ब्याज बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो साधारण ब्याज सेम है, साधारण ब्याज पर डिपेंडेंसी खत्म, प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल पर डिपेंडेंसी खत्म, सो तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है वो खत्म, तो आर इंटू टी है ना, ठीक है। तो आर इंटू टी बराबर कुछ भी कॉन्स्टेंट है, कुछ भी मान लो आप, है ना, इस टी को बटे मिलाओ जरा, तो आप देखो जरा आर और टी आपस में एक दूसरे के इनवर्स है कि नहीं है, आर और टी का आपस में रिलेशन विलोम है कि नहीं है, उल्टा है कि नहीं है। आर इंटू टी बराबर कॉन्स्टेंट, इट मीन्स टी को नीचे लाएंगे तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये लैंग्वेज यदि ज़्यादा भारी लगती है, ठीक है, तो इसको हम बेसिक तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, है ना, एस आई और पी, इसको हम ऐसे कर सकते हैं एस आई वन पी वन आर वन टी वन बाय हंड्रेड, है ना। ये फर्स्ट केस के लिए 1 1 1 ले लिया, सेकंड केस के लिए 2 2 2 ले लो, एस आई टू पी टू आर टू टी टू बाय हंड्रेड, क्लियर। अब आप जानते हैं साधारण ब्याज दोनों का सेम है, तो साधारण ब्याज में 1 2 हटा दो, दोनों सेम है साधारण ब्याज, प्रिंसिपल दोनों सेम है, प्रिंसिपल में 1 2 हटा दो, अब इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दो, जरा कर दो डिवाइड, डिवाइड करोगे तो पी से पी कैंसिल, एस आई से एस आई कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, इधर 1 आएगा, 1 बराबर आर 1 टी 1 अपॉन आर 2 टी 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब एक काम करो आप R1 R2 को यहीं रहने दो, T2 T1 को इधर ले आओ, तो T2 अपॉन T1 बराबर R1 अपॉन R2 आएगा कि नहीं आएगा बताइए जरा, है ना, आएगा ऐसा, ठीक है ना। या फिर एक काम करो R2 R1 को इधर ले लो, R2 यहाँ R1 यहाँ, तो R2 बाय R1 बराबर T1 बाय T2। आप देखो टाइम के तुलना में रेट का रेशियो उल्टा है कि नहीं है, 1 2 है तो 2 1 है कि नहीं है। चलो एक काम करो आप रेट का वैल्यू रखो, रेट का वैल्यू R1 का वैल्यू क्या है 8% और R2 का वैल्यू क्या है 7% है, 7/8, आप देखो 7/8, तो ये भी इसके बराबर, तो T1 बाई T2 का रेशियो 7/8 आया कि नहीं आया। T1 ये 1 वाला केस है, 2 वाला केस है, T1 से T2 का रेशियो 7/8 आया कि नहीं आया बताइए, तो टाइम का रेशियो 7 यूनिट से 8 यूनिट आया कि नहीं आया। तो हमने यहाँ से ये सीखा कि रेट और टाइम एक दूसरे का उल्टा, यहीं से समझ में आ गया है तो कि टाइम 1 से 2 है तो रेट 2 से 1 बराबर है, बराबर है बट उल्टे रूप में बराबर है। तो रेट का रेशियो यदि 8 से 7 है तो टाइम का रेशियो 7 से 8 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है आधा साल, 1 बराबर आधा साल, तो 8 बराबर 8 का आधा 4 साल, तो दूसरे केस का टाइमिंग 4 साल, तो पहले केस का टाइमिंग 7 × 3.5, तो इधर का यदि 4 साल है तो इधर का टाइम सीधी सी बात है 3.5 साल ही आएगा ना, क्योंकि 6 महीना पहले चुका दिया गया है, इधर आई बात समझ में। अब आप बोलोगे सर ऐसे तरीके सवाल में याद नहीं रहे तो हम क्या करेंगे, तो देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, ठीक है, याद करना ही, एग्जाम निकालना किसे कहते हैं, सवाल को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि याद हो जाए, इसी को हम एग्जाम निकालना कहते हैं। आई बात समझ में, ये बहुत सरल प्रोसेस है, बहुत इजी है। ये सवाल दूसरी बार आप देखोगे ना
शायद नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार फिर आपको सोल्यूशन देखना पड़ेगा, दो तीन बार में आपको याद हो जाए। अच्छा मुझे भी तो याद है, अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई भगवान थोड़े ना हूँ। मैंने भी उस सवाल को रिपीटेशन में, मैं उस सवाल से कई बार टकराया, ज़्यादा बार प्रैक्टिस की तो सवाल का हर एक सोल्यूशन का रास्ता मुझे याद हो गया। ठीक है, ये धीमे धीमे होने लगेगा, समझ आ रही बात। बस आप देखते रहो, देखोगे ना किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन को दो तीन बार देखोगे, चौथी बार अपने आप अंदर से आता है। आपको लोड नहीं लेना, ऊपर वाले ने आपको मशीन ही ऐसी दी है, वो मशीन में सब क्षमताएं हैं, बस आप तो देखो सवाल के सॉल्यूशन को, प्रैक्टिस करो, अपने आप होती है सारी चीज़ें। मेथड याद करना वो लोड मत लो, आप वो लोड लेने के लिए मशीन दी आपको ऊपर वाले ने ना। तो बताइए 4 साल आया इधर पे, तो समझ में आई बात। ये जो 4 साल मैंने फॉर्मूले से लाया, यही 4 साल आपके पास ऐसे भी आ जाएगा। अब सुनिए मेरी बात, अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो आप जानते हो कि प्रिंसिपल प्लस एसआई बराबर अमाउंट होता है। अब प्रिंसिपल को तो हमेशा हम या तो इधर का रास्ता लेके आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, या फिर इधर, मैं इधर से निकाल रहा हूँ क्योंकि इधर का टाइम इजी है ना, 4 साल, इधर 3.5 साल है। क्लियर, प्रिंसिपल 100% है, 7% रेट से 4 साल का ब्याज 28% आएगा। बताइए अमाउंट 128 बनेगा कि नहीं बनेगा। 100% प्रिंसिपल है, 7% 4 साल, 28% ब्याज, तो 128 आएगा। क्लियर, इधर से भी कर सकते हो, इधर का प्रिंसिपल 100%, इधर का भी ब्याज 8%, 3.5 बार करोगे ना, 3.5 बार 8 तो भी 28 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी 128 बनेगा। अभी 128% 2560 के बराबर दिया है। अब देखो इंटू 20 का रिलेशन है, तो 100 × 20 प्रत्येक मूलधन 2000 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात। तो ऑलमोस्ट ओरली 1 = 1/2, 8 = 4 साल, 28, 100 + 28, 128, 100 से 128, तो 128 बराबर 2560, तो 100 = 2000 ओरली होने वाला क्वेश्चन है। 8, 7, 8%, 7, 8, जैसे सवाल पहचान में 8, 7, 7, 8, 1 = 1/2 साल, 8 = 4 साल, 7 = 3.5, इधर से कर लो, 7, 4, 28%, तो 128% अमाउंट हो जाएगा। ये 128% 2560 × 20 का कनेक्शन है, तो 100 × 20, 2000 प्रिंसिपल आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो ये सवाल की कहानी है, ठीक है। मैंने ट्रेडिशनली बता दिया आपको, ट्रेडिशनली टाइम निकाल लो या फिर रेशियो से टाइम निकाल लो। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन और बचे, कर लेते हैं फटाफट से, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ए को बी को 2 साल बाद 1120 देने हैं। ए बी को 2 साल बाद कितने देगा? 1120। ये कौन किसको देगा? ए बी को देगा। ए किसको देगा? बी को 2 साल बाद 1120 है ना, ठीक। और जबकि बी को ए 1 को दे रहा है, ये बी किसको दे रहा है? ए को, है ना, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। ए को बी को 2 साल बाद, बी को 2 साल बाद 1120 देने हैं ए को, मतलब बी ए को देगा, है ना, ठीक है। इसके बाद 1120 है ना, इसके बाद जबकि बी को ए 6 महीने बाद, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। ये 12 माह है, 1-1 साल है ना, यहाँ 6 महीने बाद, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद, यानी कि इसका भी आधा। आई बात समझ, 6 महीने बाद, ठीक है। कितना देना है इसको? 1081.5 इतना देना है, ठीक है। बी को ए को इतना देना है, ए को बी को इतना देना है। अभी कन्फ्यूज हो गए कि यार किसका लेना देना निकल रहा है, कैसे हिसाब किताब करें, कौन किसको कितना देगा। अब ये चाह रहे हैं आज में हिसाब निपटा लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आज में हिसाब हम निपटा लेते हैं ना। तो यदि आज में हिसाब निपटाने की कोशिश करते हैं ये लोग, तो देखिए ना क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। अच्छा ब्याज दर कितनी दी है? 6% है भैया, यहाँ 3 आएगा, साल का 6 है ना, तो 6 महीने का 3% आ जाएगा। क्लियर, तो एक काम करते हैं, आज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 साल बाद यदि 1120 का कर्ज है, तो आज में कितना है? आज बी को ए को कितना देना है, और इसका भी आज का वैल्यू निकालना है। आज में ए को बी को कितना देना है ये निकाल लेते हैं। ये निकालने के बाद फिर देख लेंगे कौन किसको देना है, क्या करना है, हिसाब करेंगे। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। तो बताइए 100% है, तो ये 112% आएगा क्या? अरे 6-6% 12% ब्याज, तो 100 + 12 = 112। 112 यदि 1120 है, तो 100% 1000, यानी कि आज में बी ए को कितना देगा? 1000। आया समझ में? अच्छा है, 100 और 103 है क्या? उधारी तो हमेशा 100 होती है, प्लस 3 103, 103 इतना, तो 100 बराबर कितना?
शायद ये ना 1050 आएगा जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है। 103% यदि 1081.5 है तो 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1081.5 बाई 103, 103 से सीधे कैंसिल करो, नॉट एन इश्यू। 103 से एक बार 103 5105 पांच बार जाएगा, 1% बराबर 10.5, तो 100 × 10.5 1050, क्लियर। अब बी ए को 1000 देना है और ए बी को 1050 देना है, सीधी सी बात है। 1050 में से 1000 गया तो 50 रुपये का लेन देन होगा इनके बीच। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं 1000 रुपये मांगता हूँ, ठीक है, और आप मुझसे 1050 मांगते हो, है ना। तो 1050 बहुत सरल सी बात है, उसको टफ नहीं करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल है ना, मैं ए हूँ, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ए और बी, ठीक है ना। बी ए को कितना देना है, 1000। बी ए को देगा 1000 और ए बी को देगा 1050। अब आप ही देख लो हिसाब किताब क्लियर कैसे करेंगे। बी क्या बोल रहा है ना, बी को ए से 1050 लेने हैं, ठीक है, और बी को ए को 1000 देने हैं, ठीक है। तो बी बोल रहा है कि 1050 में से ये 1000 काट ले, 50 रुपये दे दे। तो बताइए ए बी को 50 रुपये देगा, हिसाब क्लियर हो जाएगा। बी को 50 रुपये मिलेंगे, हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। अरे बी को 1050 रुपये चाहिए लेकिन बी को भी 1000 देना है, तो 1050 जो चाहिए उसमें से 1000 काट लो। बी क्या बोलेगा ऐसे कि 50 रुपये दे दो, यानी कि बी को 50 रुपये दोगे, हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, ये सॉल्यूशन आएगा इसका। तो इसका हिसाब किताब कैसे होगा, बी को 50 रुपये, ऑप्शन डी आंसर आएगा। समझ गए होंगे आप लोग यार, इतनी छोटी सी तो बात है, ठीक है ना। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, कोई धन 6% की दर से उधार लिया गया, ठीक है भैया, कोई धन कितना धन पता नहीं, 6% की दर से उधार लिया गया, ठीक है, एक वर्ष बाद 6800 रुपये वापस कर दिए गए, ये प्रिंसिपल है, जो भी बना पैसा उसमें से 6800 रुपया एक वर्ष बाद वापस कर दिया, फिर जो बचा उसके ऊपर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा आगे, मतलब जो भी कर्ज लिया एक साल बाद जितना भी बना वो विद इंटरेस्ट, उसमें से 6800 रुपये चुकाने के बाद जो कर्ज बचा उसके ऊपर आगे 5% के रूप से ब्याज देना होगा, ठीक है। ये पहला वर्ष है और ये दूसरा वर्ष है, आता है समझ में, है ना। पहले वर्ष के ब्याज का 11/20 है ना, क्या बोला उसने, दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष का 11/20 है, तो दूसरे से पहले का रेशियो 11/20 आ जाएगा, यानी कि पहले वर्ष का ब्याज 20 है तो दूसरे वर्ष का 11, यानी कि पहले से दूसरे वर्ष के ब्याज का रेशियो 20:11 आ जाएगा, है ना। तो ये जो पहले वर्ष का ब्याज है ये 20 यूनिट है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है, 11 यूनिट, है ना। ये पहले से दूसरे वर्ष के ब्याज का रेशियो, एक एक्स वाला तरीका, बेसिक तरीका है ना, उससे पहले बता देता हूँ, चलिए एक्स वाले तरीके से पहले बता देता हूँ इधर पे मैं आपको, है ना, लेकिन पूरा बोर्ड ही फील कर दिया यार मैंने, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, है ना। इसको मिटा दूं क्या, चलिए इसको मैं इधर लिख देता हूं, है ना। सेकेंड इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू 11/20, तो सेकेंड बाय फर्स्ट बराबर 11/20, तो बताइए यहाँ से फर्स्ट से सेकेंड का रेशियो 20:11 आ जाए, है ना। उसको मिटा रहा हूँ मैं उधर से, बस ये हो गया काम हमारा, है ना। तो देखो भैया, फर्स्ट ईयर ब्याज से सेकेंड ईयर ब्याज का रेशियो क्या है, 20:11। तो फर्स्ट ईयर ब्याज का वैल्यू यहाँ रखूँगा, सेकेंड ईयर ब्याज का वैल्यू यहाँ रखूँगा। मान लो इसी को मैं यहाँ बना लेता हूँ एक बार, प्रिंसिपल को माना एक्स, है ना, और ये 6% रेट जो भी बना उसमें से 6800 रुपया दिया, फिर जो भी बचा उसके ऊपर 5% रेट है, मान लो एक्स माना, तो पहले साल का ब्याज 6% एक्स आएगा, तो पहले साल के ब्याज का वैल्यू रख दो इसके सामने 6% एक्स, फर्स्ट ईयर का ब्याज 6% एक्स, क्लियर, ये पहले साल का ब्याज। अच्छा, यहाँ का अमाउंट 106% एक्स बनेगा,
बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे ये एक्स रुपया है ना, ठीक है, तो यदि ये अच्छा एक्स के साथ हम 100% लगा सकते हैं। अच्छा 100% क्या होता है, परसेंट हटेगा सो वन ही होता है ना, 100% लगा सकते हैं। 100% एक्स में 6% जुड़ेगा तो यहाँ का टोटल ब्याज से 106% एक्स हो जाएगा, तो यहाँ का पैसा कितना बनेगा, 106% एक्स माइनस 6800 है ना, इतना पैसा बचा। इस पर 5% ब्याज लगाओगे तो यहाँ का ब्याज आ जाएगा, इसका 5% यहाँ का ब्याज बनेगा, तो यहाँ का ब्याज कितना बनेगा, यानी कि सेकेंड ईयर का ब्याज, ये पहले साल का ब्याज है तो दूसरे साल का ब्याज यहाँ बनेगा, तो इसका 5% यहाँ निकालोगे तो दूसरे साल का ब्याज बन जाएगा, क्लियर। चलिए इसका 5% निकालते हैं तो कैसे बनेगा, 106% एक्स माइनस 6800 का कितना परसेंट, 5%, ऐसे करके ब्याज बनेगा दूसरे साल का। देखो दूसरे साल का ब्याज बना कि नहीं बना, है पहले साल का ब्याज, बस इसको सॉल्व कर लो, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका, ये बेसिक तरीका है ना, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व करें, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, ठीक है, और क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कट रहा है, एक मिनट रुकिए, है ना, 106% एक्स, ठीक है, ठीक है, इसको इधर लेंगे तो 5 × 20 100 हो जाएगा, 100 का इंटू इस पूरे में कर दे, 5 × 20 पूरा इधर जाएगा 100, 100 का इंटू इस पूरे में करेंगे तो 106x माइनस 6800 में 100 का मल्टीप्लाई होगा, 40 हो जाएंगे, बराबर 66x, क्लियर। 106x में से 66x जाएगा, 40x बचेगा, बराबर 68 पे 40, 0 से 0 कैंसिल, 17 बार x बराबर 17000, 17000 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है x वाला, है कितना आंसर आ जाएगा इसका, 17000। अब थोड़ा सा रेशियो सेट वाला तरीका आपके सामने प्रदर्शित करूं, तो प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का 6% 6 यूनिट यहां का ब्याज बन जाएगा, तो अमाउंट 106 यूनिट, ध्यान रखना है यूनिट है या रुपया है, आपस में प्लस माइनस नहीं होंगे, है ना, 106 यूनिट, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ से क्या है कहानी, ये 106 यूनिट है ना, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये जो 20 है, ये 20 बराबर कितना है, 6 यूनिट, ये भी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, ये भी फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ना, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, ये हमारी यूनिट वाली लैंग्वेज है, क्वेश्चन के रेशियो से, रेशियो की भाषा से, क्वेश्चन के रेशियो की भाषा से हमारी यूनिट वाली भाषा का रिश्ता जोड़ेंगे। यदि 20 बराबर 6 यूनिट तो 11 बराबर कितना यूनिट, यहाँ का ब्याज यूनिट में आ जाएगा, 20 बराबर 6 यूनिट तो 11 बराबर कितना, यहाँ का ब्याज यूनिट में आ जाएगा, लेकिन 20 बराबर 6 वाला रिलेशन थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ना, तो एक काम करें यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कर ले ताकि रिलेशन, 20 बराबर 6 करो 11 बराबर फ्रैक्शन में जाएगा, तो 20 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 20 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ इंटू 10 कर ले, तो 20 बराबर इंटू 10 यहाँ करोगे तो इंटू 10 यहाँ भी, इंटू 10 यहाँ भी, यानी कि अब हमने प्रिंसिपल को 1000 यूनिट मान लिया, ब्याज 60 यूनिट हो गया और ये 1060 यूनिट हो गया, है ना, 1060 इंटू 10 करेंगे तो 20 बराबर 60 यूनिट, तो 3 गुना का रिलेशन है, तो 11 बराबर 11 तिया बताइए 33 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 20 बराबर 20 तिया 60 यूनिट, तो 11 तिया 33 यूनिट। अब सुनिए इसका 5% 33 है तो ये स्वयं अपने आप में 660 यूनिट बनेगा क्या, इसका 5% ये अपने आप में 100% है अपनी दुनिया के लिए, यदि 5% 33 तो 100% बराबर कितना, 5% 33 तो 10% 66 तो 100% 660 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 5% 33 तो × 2 × 2 करिए 10% 66 तो बताइए 100% 660 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, तो 660 यूनिट हो गया है, बस हो गया सवाल सॉल्व। 1060 में से यदि 660 बचा, 1060 यूनिट में से 660 बचा तो कितना माइनस हुआ होगा, देखो जरा 400 यूनिट माइनस हुआ होगा क्या, यहाँ पे छोड़ो 6800 को हटाओ, है ना, 1060 में से 660 बचा तो बताइए यहाँ का वैल्यू 400 यूनिट रहा होगा क्या, तो ये जो 400 यूनिट माइनस हुआ है ये किसके बराबर है, 6800, यदि 400 बराबर 6800 तो आप देखेंगे इंटू 17 का रिलेशन है क्या, यूनिट से रुपए का रिलेशन इंटू 17 तो 1000 × 17 1000 यूनिट × 17 17000 आ जाएगा प्रिंसिपल,
आप बोलेंगे सर ना जाने काका कर दिया आपने, तो ऐसा कुछ नहीं है, देखिए थोड़ा सा स्मार्टनेस लगाओ, दिस इज़ वेरी इजी टास्क है ना, कैलकुलेशन कम से कम कैलकुलेशन में टास्क आपका पूरा हो जाएगा, ये भी एक तरीका है, आप चाहें तो वो बेसिक तरीका लगा, लेकिन मेरा सजेशन है यू शुड यूज़ दिस अप्रोच एज वेल, ठीक है, कोशिश करनी चाहिए इसे अप्रोच लगाने की, ठीक है, रिपीट करके देख लेना इसको आराम से, है ना, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये चीज़ें, देखो पहली बार यदि आप पढ़ रहे हो ये चीज़ें समझ में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं बता दूं चक्रवृद्धि ब्याज के बाद जो सीधे साधारण ब्याज पढ़ रहा है उसको इन चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, तो उनसे निवेदन है सिंपल इंटरेस्ट को आप लास्ट में पढ़ लें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बहुत सारे तरीके जो बता रहा हूं इनका बहुत बेसिक तरीके समझाए मैंने सारी चीज़ें, है ना। चलिए अब क्या बच रहा है, क्वेश्चन नंबर वन बच रहा है क्या इसका, चलिए क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व कर लेते हैं, है ना, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं, है ना, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रतिरूपक दर से आयकर अदा करता है, यदि आयकर की दर पर 4% से घटकर 3.75% होने पर वह पाता है कि उसकी नेट वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाती है ना, ठीक है, 4% से घटकर 3.75%, 1 मिनट, है ना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, 2 सेकंड रुकिए मैं करवाता हूँ करेक्शन, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कहानी ऐसी है, इसमें जो बोला है ना, देखिए सबसे पहले इसमें करेक्शन करना, हिंदी में एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आयकर अदा करता है, आयकर की दर, है ना, यदि आयकर की दर, आयकर नहीं, आयकर की जगह लिखिए साधारण ब्याज की दर, है ना, यदि साधारण ब्याज की दर 4% से 3.75% होने पर वह पाता है कि उसकी नेट वार्षिक आय 48 रुपए कम हो जाती है, ठीक है, सही है, इंग्लिश में डिक्टेट कर देता हूँ एक बार, अ पर्सन हु पेज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसे पर रुपी, 4 पैसे पर रुपी, 1 रुपए में 100 पैसा, यानी कि वो 4% है, 4 पैसे प्रति रुपए, यानी कि 100 पैसे में 4 पैसा, यानी कि वो 4% भी लिख सकते हो आप उसको, है ना, 4 पैसे प्रति रुपए को 4% भी लिख सकते हो, ठीक है, हाँ, इंग्लिश में अ पर्सन हु पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसा पर रुपी, फाइंड द फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 4% टू 3.75%, फाइंड दैट, ओके सॉरी, फाइंड दैट अ फॉल ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 4% टू 3.75% डिमिनिशेज हिज नेट ईयर इनकम, हाँ इंटरेस्ट रेट सही है ना, यहाँ तो इंटरेस्ट ही लिखा है, देखो इनकम टैक्स नहीं लिखा ना, इंटरेस्ट रेट ही लिखा है, ये सही है, ठीक है। अब देखिए सवाल कैसे बना मैं आपको बताता हूँ, ये जो फाइनेंस करने वाली कंपनियाँ रहती है ना, ये फाइनेंस करने वाली कंपनी को सरकार को टैक्स देना पड़ता है, मान लो फाइनेंस करने वाली कंपनी बिजनेस कर रही है 100% का, तो 100% में से 4% सीधे सरकार को टैक्स जाएगा, या यदि फाइनेंस कंपनी बिजनेस कर रही है 100% का, मतलब 100% का बिजनेस वो करना चाह रही है ना, यदि वो 100% पैसा मार्केट में फैलाना चाहती है, ठीक है, तो 100% का 4% पहले सरकार को क्या देना पड़ेगा, टैक्स, कितना पैसा वो मार्केट में उधारी के रूप में बांट पाएगी, केवल 96%। यदि 100% का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उस 100% में से 4% सरकार का है और केवल 96% का वो बिजनेस कर पाएंगे, इतना पैसा वो मार्केट में बांट पाएंगे। इस सवाल को समझना थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा फिनेंशियल कमर्शियल एस्पेक्ट है इसका थोड़ा सा, है ना, ठीक है, बाकी वो कहने में तो कुछ भी कह के परसेंटेज लगा के कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं टेक्निकल एस्पेक्ट इसका समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है।
4% टैक्स देंगे, 96% मार्केट में पैसा फैला पाएंगे वो, यानी कि 96% उनका प्रिंसिपल है, जो उधार देते वो क्या होता है प्रिंसिपल है ना। तो यही 96% उनकी ब्याज की दुनिया में एक प्रकार से प्रिंसिपल, ये 96% पैसा बिजनेस के हिसाब से 96% पैसा। लेकिन अब टैक्स एक्स हटाने के बाद जब वो लोगों को बांट रहे पैसा, तो उसकी दुनिया में तो 96% पैसा ही मूलधन है के नहीं है, क्लियर। तो मूलधन अपने आप में क्या होता है 100%, ठीक है। अब ब्याज की दर 4% से 3.75% कर रहे हैं वो लोग, यानी कि 0.25% का चेंज आ रहा है, 0.25% का चेंज 48 रुपये का इम्पैक्ट डाल रहा है। 4% से 3.75% इंटरेस्ट रेट करने पर 0.25% 48 रुपये के बराबर है। तो बताइए 0.25% यदि 48 रुपये यानी कि 25 पैसा इंटू 4 करोगे तो 1% का वैल्यू 192 रुपीज़ है। 1% 192 है तो मूलधन टोटल जो मार्केट में बांटा वो 19200 है कि नहीं है, क्लियर। मूलधन जो टोटल उन मार्केट में बांटा वो 19200 है कि नहीं है। अब आप जानते हैं कि बिजनेस के हिसाब से 96% का वैल्यू 19200 है कि नहीं है, बिजनेस के हिसाब से 100% यानी कि एक प्रकार से इसका वैल्यू, तो बिजनेस के हिसाब से ये 19296% का वैल्यू है। यदि 96% 19200 है तो 100% बराबर आएगा आपका 20,000, है ना, डबल इंटू 200 का रिलेशन है ना, इंटू 200 कर लो 20,000। तो कितने का व्यापार कर पाए वो लोग बताइए, कुल पूंजी उनकी 20,000 है कि नहीं है, व्हाट इज इज कैपिटल, पूंजी बताइए। तो पूंजी तो बेचारे की 20,000 गई कि नहीं गई, आई बात समझ में। तो टोटल कैपिटल कितना बिजनेस में लगाया उन्होंने 20,000, उसमें सरकार ले गई बाकी बांट दिया, लेकिन उनकी पूंजी कितनी है 20,000, उधार दी गई राशि कितनी है, मूलधन कितना है तो 19200, बट पूंजी कितनी है कैपिटल 20,000, क्लियर है। ये है आपकी साधारण ब्याज की दुनिया, ठीक है। अगला टॉपिक हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे और परसेंटेज बहुत जल्दी कंप्लीट हो, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक है। चलिए सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं ना।